hello students welcome back to the crush cambridge school online classes how are you all i hope that all of you must be fine and safe at your home and must be enjoying these online classes so this is the class for second this is the subject english and our topic is which is your chapter number fifth our trip to grandfather's farm okay so before starting the class i would like to ask all of you to take out your this book which is sparkle book of class second okay firstly you will have to take out your book and you will have to keep a pencil in your hand so that you will get a better understanding what ma'am is talking about my name is nisha you can call me nisha ma'am so always keep your ma'am's name in your mind and remember my name is nisha so this is a short introduction from my side now let us begin our chapter अ ट्रिप टू ग्रैंडफादर फार्म में एक जो है छोटी सी लड़की है आप मान सकते हैं जितनी आपकी एज है उतनी ही एज की एक लड़की है जिसका नाम और आपकी मैम का नाम सेम है निशा वो क्या करती है अपने ग्रैंडफादर के फार्म को विजिट करने जाती है जो उनका खेत है उसे वो विजिट करने जाती है अपने फादर के साथ एंड वॉट एक्साइटमेंट शी फाइन्स देअर दिस इज द स्टोरी ओके सो लेट इस सी द स्लाइड

So grandfather. Grandfather देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कौन निशा खुश हो जाती है अपने ग्रैंड फादर को देखकर तो चलिए लेट्स नो अबाउट द स्टोरी दिस इज अफुल पिक्चर द क्लास नाउ बिटा जस्ट गिव मे अकेंड या निशा इज़ एक्साइटेड टूडे शी इज गोइंग टू विजिट हर ग्रैंड फ़ादर्स फार्म इन विलेज बसई तो एक बसई नाम का विज है जहाँ पे वेयर शी इज़ गोइंग टू विजिट हर ग्रैंड फ़ादर्स फार्म अपने ग्रैंड फादर के फार्म को विज़िट करने के लिए शी इज गोइंग टू द विलेज बसई He had a big farm और उनके पास कितना बड़ा farm है बहुत बड़ा एक farm है okay farm house जिसे कहते हैं आप खेत कह सकते हैं He has brought up many useful animals in his farm and what are there in the farm? There are so many animals. Animals है कहाँ पे farm में animals है जब भी आप कोई farm visit करते हो कोई new place visit करते हो you all feel so excited. So the same is happening with the

निशा फादर टेक निशा ट्रू ग्रैंड फादर्स वेज इन एंड हर फादर टुक हर टू विलेज इन द कार किसमें लेके जाते हैं उसे कार में लेकर जाते हैं कहाँ पर बिता उनके ग्रैंडफादर के फार्म में आफ्टर ट्रैवलिंग सम टाइम इन कार निशा आज हर फादर और कुछ टाइम कार में ट्रेवल करने के बाद निशा अपने फादर से क्वेश्चन करती है कुछ पूछती है बिकॉज वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग आपको तो पता नहीं होता कितना डिस्टेंस दूर है सो so आप क्या करते हैं अपने पेरेंट्स से सवाल करते हैं कि पापा ये कैसे होगा मम्मा हम कब पहुँचेंगे मैं भी जब छुट्टी थी तो वैसे ही सवाल करती थी सो शी इज़ आस्किंग हर फादर सम क्वेश्चन निशा फादर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच ग्रैंड फाज हाउस क्योंकि हम क्या होते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं हमें जहाँ जाना होता तो वी वॉन्ट के हम बहुत जल्दी से पहुंचाएं सो वॉट शीज आज किंग दैट फादर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच ग्रैंड फाज हाउस पापा कितनी देर लगेगी हमें ग्रैंड फादर के या ग्रैंड पा के फार्म पर पहुँचने में फादर वी विल रीच सून एंड फादर ने क्या कहा कि बेटा हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे After some time, they reached the grandfather's house. Now, what happened after traveling for a long time? They visited the, they actually went to the grandfather's house. So, they reached the grandfather's house, and then she was so excited to meet her grandfather. And to look at the farm, the cattle, she was going to be so happy. firstly, she was excited to meet her grandpa grandfather and then to see the farm because that was so fascinating for her. okay, so today we will be reading till here only. in the next class, we will be discussing the remaining part of your, this chapter. टेन वॉट यू विल डू यू विल राइट डाउन फॉर एग्जाम्पल देर आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बिट जैसे ये हमारा वर्ड है एक्साइटेड फॉर्म एंड ब्रॉटअप इन वर्ड के मीनिंग्स आपको अपने बुक में से देख कर लिखने हैं आई गेस आपकी बुक में ये मीनिंग्स गिवन होंगी आपको येसर ओके ऑन द पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स हेयर आर द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स सो वॉट यू विल डू You will write these words and their meaning, okay, and will understand them and will remember them. Till then, all of you take care of yourself, your parents, don't go outside. Keep on enjoying these online classes. I will see you in the next class. Till then, all of you take care. Bye bye.